अंकलेश्वर जेएडीसी में आवेल ईएसआईसी हॉस्पिटल में कोविड दर्दीनी तबियत बगड़ता सगाओ द्वारा एक डॉक्टर पर हुमलो करीने मार मारता डॉक्टर ने कमरना भागे फ्रेक्चर थता सारवार हेठळ खसेड़वामां आव्या हता। जो कि दर्दीनुं बादमां मौत निपजी हतुं। आ मामला में जेएडीसी पोलीसे त्रण हुमलाखोर ने झड़पी पाड़वानी कवायत हाथ धरी छे। पुलिस सूत्र माहिती मुजब अंकलेश्वर जेआईडीसी ने ईएसआईसी हॉस्पिटल ने कोविड हॉस्पिटल तरीके शुरू करवामां आवी छे। हॉस्पिटल में तारीख 30 मिनी रात्र कोरोना संक्रमित दर्दी पारसनाथ रामप्रसाद यादव की तबियत लथड़ता तेमना पुत्र सहित 3 व्यक्तिओं उपस्थित तबीब साथ बोलाचाली करी हती और डॉक्टरे दर्दी ने इंजेक्शन आप्या बाद तेमनी तबियत वधु खराब थई होवाना आक्षेप कर्या हता। जो कि फरज पर हाजर डॉक्टर अब्दुल अजीज मोहम्मद हनीफ खत्रीए तेओने योग्य सारवार करता होवानुं जणावायुं हतुं। जो कि उसके रहेला 3 सगाओए डॉक्टर अब्दुल खत्री ने मार मार्यो हतो अने आ घटना में डॉक्टर ने कमरना भागे गंभीर फ्रेक्चर तथा सारवार हेतर खसेड़वामां आव्या हता। जो कि बाद में दर्दी पारसनाथ यादवनुं मौत निपज्यु हतुं। घटना अंगे जीआईडीसी पोलीस मथक में जाण करता पोलीस काफलो आवी पहोंच्यो हतो अने इजाग्रस्त डॉक्टर अबुल अजीज मोहम्मद खत्रीए जीआईडीसी पोलीस मथक में 3 अजाण्या शख्सों विरुद्ध फरियाद नोंधावी हती। जीआईडीसी पोलीसे तेओनी फरियाद ने आधारे तपास शुरू करीने तेओने झड़पी पड़वाना चक्र गतिमान कर्या हता। अत्रे उल्लेखनीय छे के डॉक्टर अब्दुल अजीज मोहम्मद खत्रीए जणाव्युं हतुं के ईएसआईसी हॉस्पिटल ने कोविड जाहेर कराई छे परंतु पूरतो स्टाफ नथी, कोईपण प्रकारना साधनोनी व्यवस्था करवामां आवी नथी, जेना कारणे भारे मुश्किलोनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। मारुं नाम डॉक्टर अब्दुल अजीज खत्री छे। हूँ वर्ग 1 जनरल सर्जन ईएसआई हॉस्पिटल में 1.5 वर्ष काम करी रह्यो छुं। छेल्ला समयथी कोरोनामां मेन पावर न होवाने लीधे मारी पोस्टिंग कोरोना वॉर्डमां ऑब्जर्वेशन तरीके राखेल छे। 70 वर्षना दर्दी ने 2 दिवस पहला दाखल करेल, जेनो इलाज फिजिशियन अने आखी ईएसआई नी टीम वती थतो हतो। एने ऑलरेडी बायपेप नी जरूर हती, परंतु जे बायपेप छे एमांथी लीक आवतुं हतुं, प्रॉपर बायपेप नी सुविधा नथी, एना जोवा माटे एनेस्थेटिक नी सुविधा नथी, एना जोवा माटे 6:1 नो रेशियो प्रमाणे पेरामेडिकल स्टाफ जेम के नर्स नथी, आईसीयूमां जे जरूरी संसाधनों नथी जेम के एबीजी मशीन नथी के जे पेशेंट ने दर 4 कलाक थी 6 कलाक माटे ऑक्सिजन नो अने बधा इलेक्ट्रोलाइट नो जोवा माटे नो जरूरी रिपोर्ट छे एनी सुविधा नथी। आ बधी सुविधा कलेक्टर साहेब श्री ने जणावेल छे, छतां कोई निकाल नथी आव्यो। ईएसआई आना संदर्भे काले रात्रे 10:30 वागे पेशंट सीरियस थईने एक्सपायर थयो, एना सगाओनो खोटा आक्षेपो करी मारी जोड़े झगड़ो करी मने गद्दापाटू मार मारवाथी मारी कमरमां फ्रेक्चर थयो छे अने गंभीर इजा थई छे, जेना लीधे मारा पगमां नीचे सेंसेशनना लॉस थयो छे अने न्यूरोसर्जन वती મને 2 થી 2.5 મહિના રેસ કરવાનું જાણકારી આપવામાં આવી છે। આ ગંભીર ઇજાના લીધે મે બી હું પરમનન્ટ ચાલી બી ના શકું એવી સ્થિતિ બી થઈ શકે છે। એનું તંત્રને મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ સાહેબને જાણ બી કરી છે, તેમ છતાં ત્યાં મેન પાવરમાં સિક્યોરિટી ગાર્ડ બી નથી, ત્યાં નર્સિંગ સ્ટાફ નથી, ન તો હેડ કોન્સ્ટેબલ કે કોઈ મેન પાવર સિક્યોરિટી રૂપે બેસતું નથી। દિવસે ને દિવસે ઈએસઆઈની હાલત ગંભીર થતી જાય છે। અહીંયા મેન પાવરની મારી તરફથી હાથ જોડીને વિનંતી છે કે મેન પાવર પૂરતો પાડો, સપ્લાય આપો, બધું મેડિસિન નથી, ડાયપર નથી, બેડ પાન નથી, નાની નાની વસ્તુના લીધે મોટા મોટા ઝઘડા થઈ રહ્યા છે। આવતીકાલ જો એવી રીતે ડૉક્ટરોને મારવામાં આવશે અને ડૉક્ટરો ગંભીર રૂપે ઈજાગ્રસ્ત થશે અને એનું શું કસ થશે, મારી કલેક્ટર સાહેબને વિનંતી છે, પ્લીઝ 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 ડૉક્ટરોને સેવ કરો, નહીં તો ડૉક્ટર નહીં હોય તો દવા ઓક્સિજનની જેમ તમે એના માટે બી વલખા મારવું પડશે। સર પોલીસ વિભાગ દ્વારા શું કામગીરી કરે છે? પોલીસ વિભાગ દ્વારા કાલે રાત્રે આવીને ફરિયાદ લઈને ગયા, જે ફરિયાદ નોંધી છે હજુ સુધી એ બંને 3 વ્યક્તિઓ બહાર ફરી રહ્યા છે। આજે સવારે બી 8 વાગે આવીને ત્યાં ડેડ બોડી માટે ઝઘડા કરીને ગયા છે।